नमस्कार दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सबसे पहली राशि मेष राशि। मैं मेष राशि की सिर्फ क्वालिटीज़ के बारे में ही बताऊंगी। क्वालिटीज़ के बारे में सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपने अंदर के गुणों को पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बताए जाने वाली जो बातें हैं क्या इनमें सच में जो कुछ भी बताया जा रहा है आप में कहीं कुछ भी एक दो या तीन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप उसको और पावरफुल बनाइए और उसको अपने फ्यूचर के निर्माण के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए और अपने समाज के लिए इसको आप अपने आप को यूज़ कीजिए। क्योंकि हमारा जो इस धरती पर जन्म ही हुआ है वो बस यूं ही आने और जाने के लिए नहीं हुआ है कि आए गए आओ जाओ घर तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा घर है धरती नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ से जाने के बाद हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे और पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं और इसीलिए भगवान ने एक बहुत बड़ी एनर्जी स्काई के रूप में हमारे सामने क्रिएट कर दी है। क्योंकि जब जब भी हम स्काई को देखते हैं, स्काई इज़ ज़ीरो, वहाँ कुछ हमें दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई देता है जो चांद सूरज उनकी बात अलग, बड़े वाले आसमान की बात करती हूँ क्योंकि वहाँ पे धरती के जैसे भागते हुए लाखों करोड़ों अरबों लोग दिखाई नहीं देते, मैं उनकी बात करती हूँ। तो जब हम उसकी तरफ देखते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली तो हमें वैसी ही एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि जो एरीस राशि है, मेष राशि जो है, वो ब्रह्मांड की सबसे पहली राशि है। सबसे पहली राशि होने के कारण इसमें इंट्यूशन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब ये जो मेष राशि के लोग हैं उनमें इंट्यूटिव पावर होता है, लेकिन कई बार वो अपने इंट्यूटिव पावर को अपना इल्यूशन यानी अपना भ्रम समझते हैं। यानी उनके साथ कोई ऐसी घटना मिस्टीरियस सा कुछ भी उनके साथ ऐसा होता रहता है लेकिन वो उसको भ्रम मान लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको इंट्यूटिव पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी घटना अगर कुछ भी होने वाला हो तो आपको वो पूर्वाभास होता है और वो जो पूर्वाभास होता है वो सच होता है। तो वहाँ पे आपको फायरी एक्शन लेना है। फायरी एक्शन यानी आपको ब्रह्मांड की तरफ से, क्योंकि आप पहली राशि हो तो इसलिए भगवान ने आपको वो इंट्यूटिव पावर दिया हुआ है और उसी इंट्यूटिव पावर के बल पर आप बड़े बड़े साहस वाले काम जो है वो कर जाते हो। और बड़े मतलब जिस काम में चुनौती ना हो, जो काम आसानी से हो जाए, ऐसा काम आपको अच्छा नहीं लगता है। आप बैठना बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आपके अंदर एक फायर है, तो फायर का जो एलिमेंट है वो आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही काम करता है, जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, बार बार एक्शन लेने के लिए आप मजबूर करता है। आपने क्या गेन किया, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी बड़ी आपने घर बना लिया या आप कितने बड़ा कल क्या थे आज क्या है और दो साल में आपने क्या अचीवमेंट किया या आपकी क्या डेडलाइन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक कंटिन्यूस फ्लो में बिलीव करते हो कि आगे बढ़ते रहो और एक्शन लेते रहो। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव नंबर है, बहुत ही ज़्यादा काम में विश्वास रखने वाले हैं और बहुत ही बड़े से बड़ा काम भी एक बार आपने अपने मन में वो सोच लिया, वो शून्य में रह के आपके मन में एक थॉट आया, आपके विचार में एक थॉट आया कि ये चीज़ मुझे करना है, तो फिर आप बैठते नहीं, आप खड़े हो जाते हो और आपको खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि आपके खड़े होने से जो समाज है वो आपका आपके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो वो जो एक लीडरशिप है और बहुत साहस भी है आपके अंदर, लेकिन कई बार ये साहस जो है वो
वो क्या कहते हैं कि डेयरिंग और करेज, डेयरिंग और करेज में बहुत एक थिन लाइन का ही डिफरेंस होता है, दोनों ही एक ही शब्द हैं। तो अगर आपको कोई कहता है डेयरिंग है आप में, तो भाई आप में तो वो डेयरिंग बहुत ज़्यादा है, डेयरिंग बहुत ज़्यादा है और आप इमीडिएट एक्शन ले लेते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, आप में डेयरिंग तो है लेकिन आप साथ ही साथ करेजियस हो, आप जो भी एक्शन लेते हो वो करेजियस हो। अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई तू आठ माले से कूद जा, तो आप बोलोगे यस यस मैं कूद जाऊँगा मैं, तो क्योंकि आप एक्शन लेने में बिलीव रखते हो और आप में हिम्मत है, आप में साहस है, आप में वो फायर है जो आपको उस जगह पे पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाहते हो। और आप अपने आगे किसी को कुछ उस फायर की वजह से समझते नहीं हो, किसी को कुछ नहीं समझते हो, किसी काम को कुछ नहीं समझते हो, किसी परिस्थिति को कुछ नहीं समझते हो, और आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं चुटकी बजा के हल कर लूँगा और ये चीज़ें तो मैं कर ही लूँगा, ये विश्वास आपका होता है। अब आपको कोई कहता है भाई तू कूद जा, तो आप क्या करते हो, हाँ हाँ मैं कूद जाऊँगा, तो कभी कभी आप वो दुस्साहस भी कर जाते हो, तो उसको क्या कहते हैं, दुस्साहस। दुस्साहस मतलब वो चीज़ आपको करना नहीं चाहिए था, वो करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आप डेयरिंग में बिलीव ना करके करेजियसली उस काम को करते हो, तो आप इस तरह से वो एक्शन लेते हो कि आप सात माले से कूद भी जाते हो और आपको ये खरोच भी नहीं आती है, तो आपके अंदर ये वाला गुण है। लेकिन आप कभी कभी उन दुस्साहस से बचो, जैसे आप एक्शन ले रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो और या कोई भी एक्शन ले रहे हो, तो आप देखो कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एक्शन लेने की वजह से, उस फायर की वजह से और उस हर समय काम 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 की वजह